चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे क्या कहा जा रहा है हमसे कहा जा रहा है ई एक्स के मान ज्ञात कीजिए यदि हमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पे दूसरा दूसरा डिटर्मिनेंट दिया है साढ़ी दिया है इस साढ़ी हमारा इस साढ़ी के बराबर है तो हमें इसमें से क्या करना है एक्स का मान निकालना है तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखिए हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा टू फोर फाइव वन इज इक्वल टू टू एक्स फोर सिक्स एक्स इसको हम लोग हल करते हैं इस टू क्रॉस टू के सारणिक को सॉल्व कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं टू क्रॉस टू के सारणिक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टू को वन से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा टू फिर माइनस इस चार को पाँच से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा बीस इज इक्वल टू अब इस टू एक्स को मल्टीप्लाई करिए इस एक्स से टू एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा चार छ चौबीस अब इसको सॉल्व करिए देखिए माइनस बीस प्लस दो माइनस बीस प्लस दो क्या हो जाएगा माइनस अट्ठारह इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस चौबीस और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से हम दो कॉमन कर सकते हैं दो कॉमन कर लीजिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बारह और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दो गुड़े नौ यहाँ से देखिए दो से दो क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे बचा क्या माइनस नाइन इज इक्वल टू एक्स इस्वायर माइनस बारह इस माइनस तो बारह को इस तरफ लेकर के आइए इस माइनस बारह को इस तरफ लेकर के आइए ले क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्ल टू माइनस नाइन प्लस बारह और हमारे एक क्या हो गया एक क्या हो गया बारह माइनस नाइन यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर इजक्ल टू हमारे पास थ्री आ गया है और देखिए फिर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स इज इक्ल टू हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थ्री क्या आ गया एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट थ्री तो स्टूडेंट्स इस, इस तरीके से हमने एक्स का मान निकाला और यही हमारा एक्स का मान हो गया चलिए हम लोग इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड नंबर देखिए हमारे पास क्या दिया है हमारे पास दिया है कुछ इस तरीके से है चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं इसमें हमें एकस का मान निकालना है तो देखिए हमारे इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव इज इक्वल टू एक्स थ्री टू एक्स फाइव हल करते हैं इसको अब क्या करना क्या है टू क्रॉस टू का है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दो को पाँच से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा दो पंचे दस माइनस तीन को चार से मल्टीप्लाई करिए तीन चौके बारह इज इक्वल टू इस x को फाइव से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा x को फाइव से मल्टीप्लाई करिए तो फाइव एक्स माइनस तीन को दो से मल्टीप्लाई करिए तो तीन दो क्या हो जाएगा छः एक यहाँ से देखिए पाँच एक्स माइनस छः क्या हो जाएगा माइनस एक्स यहाँ पे देखिए माइनस बारह प्लस दो क्या हो जाएगा माइनस दो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा एक्स इज टू आ जाएगा दो तो इस तरीके से हमने एक्स का मान निकाल लिया यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया तो स्टूडेंट्स इस, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व किया तो चलिएगा इस आप लोग पढ़ते रहिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए इस आप लोग पढ़ते रहिए थैंक यू